हरे कृष्णा। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि द्वारा कहा गया है कि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा में से कुछ भी भगवान हरि के दिवस एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप तत्क्षण झलकर भस्म हो जाते हैं और वह सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। तो चलिए, ऐसी परम पवित्र एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र की और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताएं प्रभु। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को पुत्र प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरिक निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का ये राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी काम कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरिक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन विचलित था और बार बार वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे एक ईर्ष्यालु सांप, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य तथा गायन में होने वाली विसंगतता को राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मग्न था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को शाप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा के जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे, उसके नथुनों पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भुगतते हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे ऋषिवर,
मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वे नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका ये कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय कहें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया, और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन कोई नहीं है। तो ये थी कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा। अब हम देखते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। सामान्यतया लोगों में ये मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महात्म्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए ये कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है, और ये महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है, इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो दाल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, चावल हो या कोई फलियां इत्यादि सब्जी। प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपने परिवार जनों को भी इस एकादशी व्रत का पालन करवाएं। यदि ये संभव न हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्न प्रसाद तो भोजन में ना ही दे। इसके विकल्प में आप स्वादिष्ट अनेक प्रकार के एकादशी प्रसाद के व्यंजन बना सकते हैं, उन्हें भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती अपने घर में करें अथवा उसका दर्शन करें। तुलसी देवी को जल अर्पित करें और उनकी चार बार प्रदक्षिणा करें। घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का नाम उच्चारण करने में व्यतीत करें, और दूसरे दिन प्रातः पारण के समय पर किसी भी अन्न प्रसाद के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व ब्राह्मणों या वैष्णवों को दान भी दे सकते हैं। तो चलिए, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक ही कामना प्रस्तुत करते हैं कि वे हमें अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।